यस सर, आपसे कोई मिस्टर अश्विनी मिलना चाहते हैं। भाई हम वही पुराने अश्विनी कुमार हैं, कोई अश्विनी नहीं। आओ अश्विनी आओ। दुनिया के बड़े रंग है राजेश्वर, बहुत बहुत मजेदार। एक ये कि अब हम भी एक बड़ी शिपिंग कंपनी खोलने वाले हैं, और तकदीर के चक्कर देखो तुम्हारे ऑफिस के ठीक ऑपोजिट वाली बिल्डिंग में ही हमारा ऑफिस तैयार हुआ है। हम चाहते हैं, बल्कि हमारी दिली ख्वाहिश है कि हमारे ऑफिस का उद्घाटन कोई खास बड़ा आदमी करे। और तुम चाहते हो वो उद्घाटन मैं ही करूं? बिल्कुल सही राजेश्वर, हमारे लिए तुमसे बड़ा आदमी और कौन हो सकता है। ये रहा हमारा कार्ड। क्या अच्छा नहीं लगा अश्विनी? अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम्हारी इस छोटी सी कामयाबी से मैं जल गया हूं, तो तुम गलत समझ रहे हो। मैं ये उद्घाटन जरूर करूंगा। ऑफिस तो बहुत शानदार बनाया है अश्विनी, लेकिन सिर्फ ऑफिस खुल जाने से शिपिंग कंपनियां नहीं खुल जाती। उसके लिए तो जहाज चाहिए, जहाज। और तुम जैसा सिर्फ 50 लाख का आदमी जहाज नहीं खरीद सकता, उसके लिए तो करोड़ों रुपए चाहिए अश्विनी। राजेश्वर, वो करोड़ों रुपए भी चले आएंगे, कल एक जहाज की नीलामी है, हम उसे खरीदेंगे। मैं ये तो नहीं जानता कि वो जहाज तुम कैसे खरीदोगे अश्विनी, पर इतना जरूर जानता हूं कि मैं तुम्हें वो जहाज किसी भी कीमत पर खरीदने नहीं दूंगा। वो तो बात कल की है, अभी तो जहाजों की दास्तान शुरू हुई है, अब देखिए कब और कहां जाकर खत्म होती है। जेंटलमैन, आप लोग यहां सूर्या जहाज को खरीदने के लिए जमा हुए हैं। जहाज तो आपने देख ही लिया होगा। इस जहाज को खरीदने के बाद आपको लगेगा कि आपने सोने को मिट्टी के भाव खरीद लिया है। हां तो जेंटलमैन, बोली शुरू होगी 2 करोड़ रुपए से। 2 करोड़ 2 करोड़ 2 लाख, 2 करोड़ 5 लाख, 2 करोड़ 10 लाख, 2 करोड़ 20 लाख, 2 करोड़ 50 लाख, 3 करोड़, 3 करोड़ 1, 3 करोड़ 2, 10 करोड़, 11 करोड़, 15 करोड़, 16, 20, 25 करोड़। बोलिए जेंटलमैन, 25 करोड़, 25 करोड़ 1, 25 करोड़ 2, 25 करोड़ 3। आइए राजेश्वर साहब, कागजी कार्रवाई पूरी करें। कहिए किसके नाम का चेक कटना है? अश्विनी कुमार के नाम। कौन अश्विनी? अश्विनी शिपिंग कंपनी के मालिक। जहाज तुम्हारा था? मैं पूछ रहा हूं कि वो जहाज तुम्हारा था? उसे हमने भंगार की नीलामी में खरीदा था, अपनी अक्ल और दानिशमंदी की ताकत से हमने उसके थके हुए जिस्म को एक नजर फरेब तन बदन दिया, और उसके आगे तुम्हारा सर झुक गया, और तुमने
कीमत भरी 25 करोड़, 25 करोड़। तुमने कहा था राजेश्वर कि वक्त तुम्हारे जेब में है, तुम भूल गए थे कि ऐसी वक्ती जेबें कभी कभी कट भी जाया करती हैं। राजेश्वर, तुम जैसे जाहिलों की मंजिल सवाई तबाही के और हो भी क्या सकती है। हमें बहुत अफसोस होगा राजेश्वर, बहुत अफसोस होगा। नहीं अप्पा जान, नहीं, मुझे फायदे नुकसान की परवाह नहीं है। परवाह है तो इस बात की, आज मेरी जीत कर भी हार हुई, ये मेरी जिंदगी की पहली हार है आपा जान, और मैं इस हार को नहीं भूल सकता। अपनी इस हार के जिम्मेदार तुम खुद हो राजेश्वर बाबू, क्योंकि ना तुम अपने असूलों पर अड़े रहते और ना अश्विनी कुमार तुमसे बड़ा बनने की कसम खाता। उसने मुझसे बड़ा बनने की कसम खाई है तो क्या वो मुझसे बड़ा बन जाएगा? मुझसे राज उसकी जीत हुई है तो क्या वो बार बार जीतेगा? नहीं आपा जान, नहीं, एक इत्तफाक है और मैं ये इत्तफाक दोबारा नहीं होने दूंगा। तुम शराब के नशे में जज्बाती हो रहे हो। नशा शराब का हो या कामयाबी का, मैं दोनों ही का आदि, और ये बात अश्विनी कुमार नहीं जानता, इसीलिए उसने मुझे आज मात देने की जरूरत की है। आज के बाद अश्विनी की हार का तमाशा सिर्फ मैं ही नहीं, जमाना देखेगा, जमाना देखेगा। अरे क्या मुंह लटका है बैठे हो बच्चे, बड़े उखड़े उखड़े नजर आ रहे हो। अरे अपने पापा से खामोशी कैसी? क्या कहूं पापा? पापा से नहीं कहोगे तो क्या दीवारों से कहोगे? बात तो सुमन की है, मुझे बताए बगैर ना जाने कहां चली गई। कई बार उसे फोन किया, हर समय उल्टा सीधा जवाब मिला। मेरे बच्चे, ये इश्क के सौदे हैं, इसमें काफी धक्कमपेल होती है, जरा सब्र से काम लो, आखिर जाएगी कहां, घूम फिर कर तुम्हारे पास ही तो आएगी। ये क्या पागलों की तरह मेरे आगे पीछे घूम रहे हो? मैडम, हमका हुक्म दिया गया है कि हम आपके ऊपर नजर रखें, ना किसी को मिलने दे और ना ही किसी को फोन करने दे। हम आपको एक मिनट का लिए भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि इस वक्त घर में कोई नहीं है। घर में कोई नहीं है? शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी, शाबाश लालमनी। अरे रिपाल जी। जी। शाहरुख खान के कोई रिश्तेदार है क्या? नहीं तो क्यों? आपकी शक्ल बिल्कुल उससे मिलती है। मैडम, आप हमको जितना भी मस्का मारना चाहे मारने, लेकिन हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, मैं कहाँ जा रही हूँ? अच्छा एक बात बताओ, आप फिल्मों में आना चाहते हैं क्या? अरे कहाँ बताएं मैडम, हम यहाँ हीरो बनने आए थे और चौकीदार बन गए। ओहो, बहुत अफसोस की बात है। कुछ एक्टिंग वैक्टिंग कर लेते हो? अरे हमने स्कूल में बहुत एक्टिंग किया है, अकबर का, श्री फरहाद का। अच्छा मैं आपको एक सिचुएशन दूं, आप करेंगे? अरे बोलो ना। ठीक है, सोचो आप एक लड़की से प्यार करते हैं और उसका बाप का नाम लालवानी है और वो गंजा है और वो नहीं चाहता कि उसकी बेटी से आपकी शादी हो। अरे बस बस बस, हम सब समझ गए हैं, हम ऐसी एक्टिंग करेंगे कि आप शाहरुख खान को भूल जाएंगे, छुट्टी कर देंगे उसकी छुट्टी। तो फिर शुरू करें, लेकिन थोड़ी ऊंची आवाज में। अरे गला फाड़ के बोलेंगे हम। एक्शन। अबे ओ गंजे लालवानी। अरे हम जावे, तुम क्या समझता है अपने आप को? हमको किसी का डर नहीं,
पर तोरा अंजाम बहुत बुरा होगा। हम तोरी टांग पे टांग रख के चीर डालूंगा कंजे। अबे टकले, पीछे पीछे क्या आता है, सामने आओ तो दिखाओ। अबे ओ कंजे, एक दिन तुम्हारे सामने हम तुम्हारी बेटी को उठा ले जाऊंगा, और जब वो मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी, और जब वो मेरे बच्चे की माँ बन जाएगी, और बच्चे को तुमसे प्यार ले आऊंगा, और वो तुमसे प्यार से कहेगा नाना, टकलू नाना। अबे कौन है? टकलू नाना। हेलो हेलो, मैं सुमन बोल रही हूँ, रवि को जल्दी बुलाओ। सर, आज का अखबार पढ़ा आपने, जिसमें गवर्नमेंट ने डॉक के बिल्कुल करीब वाली जमीन की सेल के लिए टेंडर जारी किया है? यस सर। और वह जमीन हर कीमत पर अश्विनी कुमार खरीदना चाहता है, और वह एक 5-स्टार होटल भी बनाना चाहता है, यही कहना चाहते हो ना तुम? यस सर। श्रीवास्तव, वो जमीन हमारी होगी, और वहां 5-स्टार होटल भी हमारा ही बनेगा। मालूम सिर्फ इतना ही करना है कि अश्विनी कुमार टेंडर में क्या कीमत कोट करेगा। 10 करोड़ कीमत कोट की है मिस्टर अश्विनी कुमार ने, और आप ये जमीन 6 करोड़ में हासिल करना चाहते हैं? ये कैसे मुमकिन हो सकता है मिस्टर राजेश्वर? ये सोचना आपका काम है मिस्टर सूरी, और ये रही आपकी सोचने की कीमत। सोच लिया, समझ लो ये जमीन आपकी ही होगी। राजेश्वर साहब, आपने इस जमीन को खरीद कर एक तीर से 2 शिकार किए। एक तो अश्विनी कुमार को मात दे दी, दूसरी सोने जैसी जमीन मिट्टी के भाव खरीद ली। अब यहाँ होटल बनाइए और रुपया कमाइए। काम कैसे शुरू होगा? यहाँ होटल की जगह मंदिर बनना चाहिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये जमीन मैंने होटल बनाने के लिए खरीदी है, मंदिर बनाने के लिए नहीं। यहाँ पर किसी हालत में होटल नहीं बनेगा और ना ही कोई काम करेगा। अगर यहाँ मंदिर नहीं बना तो हम सब भूख हड़ताल कर देंगे। वकील साहब, ये साफ साफ किसी की चाल लगती है। जमीन से इस तरह से मूर्तियां नहीं निकला करती। ये मेरे होटल का काम रोकने के लिए किसी ने गहरी साजिश की है, पर आप उस साजिश को नाकाम करने के लिए जितना भी पैसा बहाना चाहो, मुझे उसकी परवाह नहीं। मुझे मेरी जमीन क्लियर चाहिए। गॉट इट? राजेश्वर साहब, ये धर्म का मामला है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, और आप अगर मेरी राय माने तो वहां मंदिर बनवा ही दीजिए। शट अप! अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वकील किस काम के हो? फीस किस बात की लेते हैं आप? और देखिए, ये मुझे धर्म के बारे में मशवरा देने की कोशिश मत कीजिए। मैं जो कुछ कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिए। मुझे वहां होटल हर कीमत पर बनाना है, इसलिए आप मेरी जमीन क्लियर करवा दीजिए। जानी अकेले अकेले, सुना है तुम्हारी खरीदी हुई जमीन में से मूर्ति निकली है। तो वो मूर्ति की चाल तुम्हारी थी? जरा सी बात है। मेरे करोड़ों रुपए बर्बाद हो गए और तुम कहते हो कि जरा सी बात है? तुमने रिश्वत देकर हमारे 10 करोड़ का टेंडर कैंसिल करवा दिया,
राजेश्वर, कौवे के चोंच मारने से पहाड़ नहीं टूटता। मैंने कोई रिश्वत नहीं दी, तुम बकवास कर रहे हो। हम तो गीत गा रहे हैं, जिसने रिश्वत ली थी उसे एंटी करप्शन उठाकर ले जा चुकी है। क्या? जी, अब हम आए हैं तुम्हें मुबारकबाद देने। अब वहाँ मंदिर बनेगा, मंदिर, होटल नहीं बनेगा। इसे बच्चों का खेल मत समझो अश्विनी, इतनी आसानी से मैं वो जमीन नहीं जाने दूंगा। मैं कोर्ट कचहरी जाऊंगा और वहां पर होटल बनाकर ही रहूंगा। राजेश्वर, तुम जैसे लोग रिश्वतखोरी को जन्म देते हैं, तुम जैसे लोग, उनकी आंखों पर काला पर्दा पड़ा है। वो इस देश में सूरज की रोशनी को कभी पूरा चमकने नहीं देंगे। ये देशभक्ति के लेक्चर छोड़ो अश्विनी, और अंजाम की सोचो। अंजाम की, मैं तुम्हें उसी सड़क पर ले आऊंगा जहां से तुम उठे थे। भूलो मत भैया, वो आसमान वाला कभी कभी हमारे जैसे लोगों के जरिए इस धरती को झांक लेता है, वरना चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता। लो, तुम तो पी चुके, अब जरा हम भी तो चखें।